ये मेरा आज का लंच, इसके अंदर है दिख रहा होता आलू पेटिस। इसके पीछे भी रीज़न है, मैं इसको पहले ख़त्म करता हूँ फिर बताता हूँ पूरा स्टोरी, शुरू से बताता हूँ ठीक है। क्या हुआ, मैं जो एडिट करता हूँ अपने फ़ोन पे करता हूँ, तो मैं रात को चार्ज में लगा के सोया फ़ोन को कि सुबह उठ के एडिट करूँगा करके, जो पिछला ब्लॉग आपने देखा उसको। तो मैं सुबह उठा, करीब 7:30-8 बजे उठा, तो उठा मैं थोड़ा इधर उधर देखा और एडिट करने बैठ गया। और अब मैं फ़ोन में एडिट करता हूँ, तो मैं एडिट करते में करीब आधा घंटा 45 मिनट लगता है मेरे को। तो मैं एडिट कर रहा था, मम्मी बीच बीच में उसमें काम बताती गई, तो मैं काम भी सब किया। अब कुछ देर बाद क्या हुआ पता नहीं, अचानक से एडिट करते करते मम्मी भड़क गई, क्या सुबह सुबह फ़ोन लेके बैठ जाता है। मैं बोला मैं क्या करूँ, मैं तो एडिट कर रहा हूँ फ़ोन में, करने तो थोड़ी देर का बात है, आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, फिर जो काम बोलोगे मैं कर दूँगा। पर वो मानी नहीं, खूब भड़की। रोटी बस बना के रखी थी, ना तो सब्जी बनाया ना कुछ बनाया, तो इसलिए मेरे को दोपहर को लंच नहीं मिला, तो अभी मेरे को बाहर में पेटिस खाना पड़ा। कोई रीज़न नहीं था ना मम्मी को भड़कने का, बिल्कुल कोई रीज़न नहीं था। रीज़न ये था कि मेरे को रोटी बनाने नहीं आता। रात को मैं तो चावल दाल सब्जी सब बनाता ही हूँ, बट मैं रोटी नहीं बना सकता, मेरे से वो गोल शेप नहीं आता और वो फिर क्या बोलते हैं फूलता नहीं है रोटी। तो ये बस मेरा गलती था कि मेरे को रोटी बनाने नहीं आता, और मम्मी को चाहिए कि मैं रोटी दाल चावल सब्जी सब बनाऊँ। अब जो चीज़ नहीं आता तो नहीं आते, मेरे से रोटी गोल होते ही नहीं है, क्या करूँ उसके लिए। और इतना समय भी नहीं है कि उसको 1 किलो आटा गूँथ के बैठ के मैं बढ़िया सा दिन भर सीखते रहूँ। अगर रोटी बनाना सीखूँगा तो फिर ऑफिस कौन जाएगा, काम कौन करेगा, आपके लिए डेली व्लॉग कौन बनाएगा। तो इसलिए आज थोड़ा सा सुनना पड़ा। अब मैं क्या करूँगा, वो जो मम्मी सुनाती है ना वो भी रिकॉर्ड करके बताऊँगा। हाँ, बहुत भयंकर भयंकर बोलती है, इतना भयंकर बोलती है ना कि मेरे को बीच बीच में बीप करना पड़ेगा, इतना भयंकर बोलती है। सो हे गाइस, इट्स मोहम्मद सफ अंसारी एंड वेलकम बैक टू द न्यू चैनल। और अभी व्लॉग की शुरुआत हो रही है 2:20 से, सुबह सुबह से मूड ऑफ, अभी तक वो पिछला वाला वीडियो रेंडर भी नहीं किया हूँ। कभी कभी होगा, डेली व्लॉग करूँगा तो कभी कभी ऐसा डाउन व्लॉग भी आएगा। मैं तो आपको रियल स्टोरी सुना नहीं रहा हूँ, मतलब जो रियल घटना है वो नहीं सुना रहा हूँ, बताऊँगा वो भी धीरे धीरे, इसलिए डेली व्लॉग शुरू किया हूँ ताकि सब कुछ आपको बता सकूँ थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे सब बताऊँगा। तो अभी चलो चलते काम पे। ऑफिस के जो लोग रहते हैं ना, जो वहाँ बैठते हैं, लोग भी बड़े चालू रहते हैं ना, अपने आदमी का काम रहेगा तो वो फॉर्म को रखेंगे ऊपर में, और जैसे मैं दूंगा या कोई अनजान आदमी रहेगा ना तो वो फॉर्म को या वो काम करेंगे सबसे नीचे में। कई चालू रहते हैं लोग वहाँ पे। नियम कानून तो ऐसा बताते हैं ना कि सबसे ज़्यादा नियम तो वही चलते हैं, कोई और नियम का पालन करता ही नहीं है, सबसे ज़्यादा नियम उन्हीं के ऑफिस में पालन हो रहा है, और कुछ मतलब कोई हो ही नहीं रहा गलत काम। साला रिकॉर्ड करके अगर डालने लगूँ ना तो वो भी साला एक अलग टाइप का कंटेंट निकल जाएगा ना। मेरे को क्या है, मैं तो डेली ब्लॉग कर रहा हूँ, मैं कंटेंट खोजता रहता हूँ, रहा चलता है मैं कंटेंट खोजता रहता हूँ, जहाँ भी मिल जाए वहाँ कंटेंट। या तो मैं गलत टाइम पे निकला हूँ या फिर आज की शाम खूबसूरत नहीं। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको समझ आएगा, दिस इज़ द परफेक्ट ट्रैप। ये खड़ा है आधे पे, पीछे से जा रहा है मालगाड़ी, तुम वहाँ से निकल के कहाँ जाओगे। कैसे निकलने के लिए ना, या तो तुम तुक्का से तुम्हें खुला मिल जाएगा, या फिर तुमको एक परफेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है सब रेलवे टाइमिंग को मिला के कि इस समय ये खुला मिलेगा, नहीं तो फिर घंटों लग जाते हैं। दिन से रात हो गया बढ़िया, अभी तक नहीं खुला, खोलो ना जल्दी। फाइनली खुल गया, और सर जेल के कैदी है सब भागे हैं ना सब, क्या बताऊँ। भिंडी लेके आया, मेरे अंदर ना वो जो मोल भाव वाला स्किल होता है ना वो है ही नहीं, मैं कोई कोई जगह मैं कर लेता हूँ बट हर जगह मेरे से हो ही नहीं पाता, इसलिए मैं मम्मी को बोलता हूँ कि वो सब्जी वगैरह लेके आए। मैं जहाँ भी लेके जाता हूँ ना मैं ठगा जाता हूँ, सारे लोग मेरे को ना महंगा दे देते हैं, क्योंकि मेरे से मोल भाव होता नहीं, कहीं कहीं कर लेता हूँ, जैसे कोई मार्केट वार्केट होगा ना तो वहाँ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, बट ऐसा कोई मतलब अभी जैसा शाम का टाइम था वो भी बेचारा डग्गा से परेशान था, इस बीच में ना मोल भाव नहीं हो पाता है तो सारा महंगा दे दिया मेरे को। तो वैसे अगले दिन की सुबह है, और ये जो वीडियो मैंने कल रात को इसका एडिट करके ख़त्म कर दिया है, और सुबह मैं फ़ोन लेके नहीं बैठा हूँ ताकि गाली ना खाना पड़े। तो और सॉरी गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी छोटी बनी है, कल का दिन बहुत ही मेरा बिजी चला था, और फिर शाम को भी लेट आया, और रायपुर का काम लेट हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। मैं कितना 8 बजे करीब घर आया, और मैं 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, वो टाइम मेरा वहीं चला गया, फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद मेरा मन नहीं किया ब्लॉग करने का। तो ये वीडियो बहुत ही छोटी होगी, थोड़ी छोटी हो गई होगी, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अपन नेक्स्ट ब्लॉग यहाँ से जो दूसरा स्टार्ट करूँगा वो अपन बड़ा रखने की कोशिश करेंगे।
तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन, शो सम लव टू एवरीवन। बाय।